लॉकडाउन के बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरों ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज आपको दुर्ग जिले के जिलाधिकारी और साथ ही अन्य अधिकारियों का एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग महिला सड़क पर सब्जियां बेच रही होती है। उसकी लाचारी देखकर जिले के जिलाधिकारी मानवता का परिचय देते हुए उस महिला की सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। ये कितना रुपए का है? ठीक है ना, ये सब दे दो, घर जाओ, सब दे दो, घर जाओ। सुनो, ये रखो 200 रुपए और जाओ, घर जाओ, चलो चलो जाओ, ये इसको ले लेके चलो, लेके जाओ, झिल्ली में डाल लेके जाओ, चलवा देगा झिल्ली तो देख काम करो, सब ले डाल, सब ले डाल, आप निकल के जाए, ये तो हो गया, खरीद लिए, अपन घर में जाके ना रांधे, घर में रांधे अपन, गाय गाय को ठीक है, चलो चलो चलो, चप्पल घर निकाल, हाँ मैं जा, कोरोना बीमारी नहीं है, दूसरा बीमारी है ना, तो मैं आ जाई, ओ नहीं भाई, नहीं को ना मोला बीमारी, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।